नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, वी आर बैक अगेन विद आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नाइक पे। सो वीडियो का टाइटल पढ़ेंगे शिवम। सो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं, जो उन्होंने मतलब अपनी ऑडियंस में से किसी को कहा था कि आपके जो मतलब कुत्ता है वो पिछले जन्म में आपके दादा थे, है ना। सो अब जाकिर नाइक ने इस पे क्या रिप्लाई दिया होगा, इसका क्या आंसर दिया होगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, सो दैट वीडियो को मतलब एक ग्रोथ मिले और हम आपके लिए बढ़िया से नॉलेज मिले और हमें भी मजा आपके साथ देखने का। सही बात है। और बाकी दूसरी बात ये कि जो आपके फेवरेट स्कॉलर है वो कमेंट करके जरूर बताना और हमें सजेस्ट करते रहो यार कि जिस भी वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हो, या किसी मौलाना तारिक जमील जी, रजा साहब की, मुस्तफा जी की, और भी हैं बहुत ज्यादा। सो आप हमें कमेंट करके बताते जाओ। और दूसरी बात ये कि कमेंट्स में दे दिया करो लिंक या फिर इंस्टाग्राम पे दे दिया करो, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी फिलहाल सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें। हमने कहा तुम्हारा कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे, तुम्हारे दादाजी ही जन्म में कुत्ता बन के आए हैं। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो, हमारे दादाजी कुत्ता? हमने कहा तुम्हारे दादाजी जब मरे तो उनको यही लगा हमारे घर की रक्षा कौन करेगा, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, तो घर घर करते मरे होंगे तुम्हारे दादाजी, तो घर के कुत्ते बन के आ गए। ताक रहे मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस करी है जाकिर नाइक जी की, कि इनका मतलब जो समझाने का तरीका है ना बहुत मतलब कमाल का ना, चीज बड़े पूरे ब्रीफली समझाते हैं कि चीज पकड़ के कि एक छोटा सा बच्चा उसे भी समझ आया आराम से कि नहीं क्या चीज कही है ना, ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया है। सही बात। ये वेद कहता है इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजनेटल हार्ट से, तो ये नहीं पता होने की वजह से ये फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। सात जन्म। I can give you another quotation why it's not possible. आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेगा, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेगा, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर के ना? स्वर्ग में जाएंगे तो, स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या फिर? स्वर्ग में रहना अच्छा है ना, धरती पे क्यों आएंगे? कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापिस आते, अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापिस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापिस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा। आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलोसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है, उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यक्षा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट, और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। yes. बहन का सवाल है,
कि अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक दो दिन या दो महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था। और आप देखेंगे धर्म की किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है, फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली जिंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में, उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये दो महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काई की सजा मिली, इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आया जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा, संस्कारा। ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है संस्कारा, संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, बर्थ एंड रिबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में और कहने लगे कि इंसान हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है, अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का और इंसान बनेंगे 7 बार, बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़ बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है, ये संस्कारा है जो वेद में कहा ने लिखा है, ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा, इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर् मतलब नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम, द पीपल ऑफ यमन नीड योर हेल्प राइट नाउ। More than 24 million Muslims are food insecure around Yemen. 85,000 children have already lost their lives. जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूँ कुरान में लिखा है, लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूँ उसमें कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते फिर मरेंगे फिर आएंगे फिर मरेंगे फिर आएंगे, तो 2 साल का बच्चा मर गया उसकी क्या गलती थी? तो ये लोग सोच नहीं पाए, लेकिन इसका जवाब कुरान में है क्या 2 साल के बच्चे ने क्या गलती की, क्या गलती की क्या नहीं की उसके ऊपर कुरान मजीद ने लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि आप लोग को परख सके आप में से अच्छा अमल कौन करता है। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है और इम्तिहान के उसूल दिए गए हैं और अल्लाह सुबहाना व ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से जांचता है। एग्जामिनेशन पेपर हर साल बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। अगर एग्जामिनेशन पेपर कठिन है क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो करेक्शन है वो एग्जामिनर आसान करता है। अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो करेक्शन कठिन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग को अल्लाह ने गरीब बनाया, कुछ लोग को अमीर बनाया, कुछ लोग को सेहतमंद बनाया, कुछ लोग को बीमार बनाया। किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है क्या अमीर इंसान अच्छा, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए, 2.5% अपने निसाब से ज्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल हर कमरी साल उसको देना चाहिए जकात में।
अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को जीरो देने का। तो जकात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो जीरो मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहां हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, जकात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछताछ ज्यादा होंगी, साहबा थे अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछताछ ज्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिए, क्या किया उसका तुमने, आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियां बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान की आयत है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे है तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होते आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर। बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र गया? कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सजा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सजा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं कर जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालदेन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पर यकीन रखते क्या नहीं। तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते है क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है, उसका इम्तिहान खत्म हो गया, 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है, बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको जहन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीशन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुबहाना व ताला
खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हज़ारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे? आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे किसी ने नहीं कहा। वो था एक जाकिर आदमी जो था मुंबई से आया था, उसने तो कहा, तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर अमल किया? अगर उसका पैगाम गलत था तो क्यों नहीं उसे पूछा? तो मैं मेरा पैगाम पहुंचाने के अलावा आपको मौका देता हूं भाई पूछने के लिए, आप पूछ सकते। तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। फज़क्किर नमंत मुज़क्किर, अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल से, चैप्टर नंबर 88 सूरह गाशिया में वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर नमंत मुज़क्किर, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। तो मैं सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा हूं। तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं, ना उसने कुछ गुनाह किया, वो टेस्ट है, इम्तिहान है उसके वालदेन के लिए। जिस तरीके से कुरान में कहा गया है कि आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। खूब ध्यान से तो क्वेश्चन क्या बात है। ओके, सो क्वेश्चन था, अनिरुद्धाचार्य जी ने किसी अपने ऑडियंस में कहा कि तुम्हारे जो क्या तुम्हारा जो कुत्ता है जो पिछले जन्म में तुम्हारे दादा थे ना, तो इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि वेद में ये कहीं नहीं लिखा कि रीबर्थ मींस कि रीसाइकल, जैसे बार बार सात जन्म जिसको कहते हैं, ये तो पंडितों ने बनाया हुआ है, ये पंडितों ने बनाया हुआ, लेकिन ये जरूर लिखा है कि पुनर्जन्म ये लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा कि बार 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 अच्छे कर्म करेंगे तो इंसान बनेगा। अब जैसे उनका कह रहे थे कि उनके जो दादाजी थे वो यही सोचते होंगे, घर की टेंशन लेते होंगे, तो इसलिए कुत्ता बना सो मतलब आंसर दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, बहुत घुमा के दिया, मतलब इतनी छोटी सी बात ही ये, मतलब इस बात को एक्सप्लेन करना था, तो इस बात को एक्सप्लेन करते करते उन्होंने हार्डली 10-12 मिनट लगा दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, नॉलेज पूरी है इनको हर किसी चीज की, कोई भी चीज हो ये बहुत टेंशन देख रहे हैं। और यार एक बात मैं और करने लगा था, कल हमने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि उर्दू में मतलब क्या था कि उर्दू लैंग्वेज जो भी कहते हैं ये समझ नहीं आता हमें, तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि जो हम बात कर रहे हैं ये लैंग्वेज हमारी उर्दू है और जिसमें ये बात करते हैं वो अरेबिक है, वो मेरे को चीज समझ नहीं आई कि ये जो हम बात कर रहे हैं हिंदी में नहीं, वो उर्दू का गाना, उर्दू का गाना जिसमें आप बात कर रहे हैं वो भी हाँ। उर्दू है और जो हम बात करते हैं वो भी उर्दू है और जिस बात जिस मतलब लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं ना हाँ। वो अरेबिक है, ये चीज मेरे को समझ नहीं आई थोड़ी सी कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं इसको, वो बंदा कह रहा था कि उर्दू है और जैसे आप बात करते हो, मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं है इस चीज के बारे में। बाकी नेक्स्ट देखते रहते हैं कि क्या क्या आता है, जो जो आप रिकमेंड करते जाओगे हम रिएक्शन करते रहेंगे, अभी हम कमेंट्स पढ़ने लगे आपके इस वीडियो के बाद बनाने के बाद, और जो आपने रिएक्शन सजेस्ट करे हैं वो बनाएंगे हम धीरे धीरे। तो यही रिक्वेस्ट है कि रिएक्शन सजेस्ट करते रहे और जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है थैंक यू सो मच, हर एक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, लास्ट तक पूरी वीडियो देखा करो, और अगर आप चाहते हो कि लास्ट तक आपका मन नहीं करता देखने का तो हमें बता दो कि हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते, हम छोटी छोटी बनाया करेंगे 10-10 मिनट की, कैसे क्योंकि मेहनत बड़ी ज्यादा लगती है 25 मिनट की वीडियो बनाने में, इतनी देर मतलब बैठना भी पड़ता है, देखनी पड़ती है, एडिटिंग ये वो सब कुछ। सो ये आप जैसा आप बोलोगे वैसे ही हम काम करेंगे, आपका अपना चैनल है, बाकी बस फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।